हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल मैसेदाना। दिस इज़ डे 20 और डे 20 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने एरिया ऑफ सर्कल से लिया है। क्वेश्चन आप देख सकते हो, देखने में जितना बड़ा है उतना ही सिंपल है। आइए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिफोर दैट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, देखो मुझे फिगर दी हुई है, यहाँ पे टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स जो कि शोन किए हुए हैं दो साइड्स के, स्क्वायर की दो साइड पर मैंने इस तरीके से बेड लगाए हैं, ठीक है, सर्कुलर बेड। स्क्वायर की जो साइड है यानी कि जो ए बी है, दैट इज 42 मीटर। इफ द सेंटर ऑफ द ईच सर्कुलर फ्लावर बेड, यानी कि जो इस फ्लावर बेड का जो सेंटर है वो आपका जो स्क्वायर के डायगनल्स का इंटरसेक्शन है वो है, यानी कि सर्कल का सेंटर और स्क्वायर का जो डायगनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वो सेम है ओ पर, ठीक है। हमें क्या करना है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर लोन, यानी कि मुझे किस किस का एरिया चाहिए, इस स्क्वायर लोन का एरिया प्लस इन दोनों फ्लावर बेड का एरिया चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा, सम ऑफ एरिया सिर्फ इन दो फ्लावर बेड का एरिया चाहिए। तो देखो हम पहले क्या करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करती हूँ, मेरे को स्क्वायर की साइड तो पता है, लेकिन जब मैं सर्कल का, ये जो हमारे फ्लावर बेड है सर्कल शेप के हैं, जब मैं इनका एरिया निकालूंगी तो मुझे रेडियस चाहिए होगी, तो पहले मैं इसकी रेडियस फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो हम लगाएंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। हमें पता है कि जो सर्कल का वो स्क्वायर के जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तो हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो हमारा ये क्या है, एच ए 90 डिग्री के सामने वाली, यानी कि 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जो आप देख लीजिए 42 का स्क्वायर क्या होगा, 42 का स्क्वायर आएगा आपका 1764, ठीक है। तो ये 2 जाएगा नीचे, 1764 को आप डिवाइड करोगे आएगा 2882, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस आ गई, इसको आर स्क्वायर में छोड़ दो क्योंकि फॉर्मूले में आर स्क्वायर ही आने वाला है। अब देखिए मेरे को आर स्क्वायर पता चल गया, इसको हम यही छोड़ेंगे। अब हम निकालेंगे, फर्स्टली देखो पहले मैं इस एरिया ऑफ, इसे कहते हैं सेगमेंट, ठीक है, हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेते हैं ए ई बी, एरिया ऑफ सेगमेंट ए ई बी। देखो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है हाफ पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर, ठीक है। पाई है हमारा 22/7, आर स्क्वायर है आपका 882, थीटा है आपका 90/360 माइनस हाफ इंटू 882। हम पूरा सॉल्व करेंगे तो देखो हम किस तरीके से करेंगे, ये आता है आपका 4, ठीक है, ये 2, ये 4, 4, 1, ठीक है, ये 2, ये आपका 11, 2, 11, 22, ये 7, 6, 42, 21, 7, 3, 21, यानी कि ये आपका बच्चा 11 इंटू 63 माइनस 4, 4, 1, ठीक है। 63 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 693 माइनस 441 इज इक्वल टू 2, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी कि 252 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ सेगमेंट ए ई भी आ गया। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, ये कहता है द सम ऑफ एरियाज ऑफ द लोन एंड द फ्लावर बेड, तो देयर फॉर द रिक्वायर्ड सम ऑफ एरिया, देखो क्या होगा, दो तो फ्लावर बेड जो है आपके उसका एरिया होगा, यानी कि 2 इंटू एरिया ऑफ अ फ्लावर बेड, वो हम निकाल चुके हैं 252 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 252, एक सेगमेंट का जो मेरा आया एरिया 252, वही एरिया ऑफ अ फ्लावर बेड है, 252 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड है 42 इंटू 42, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 और 1 5 प्लस 42 इंटू 42 1764, ऐड करोगे आपका आएगा 4 और 4 8 6 7 5 12 2 2 6 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका सेकंड पार्ट में यही करके दिखा देती हूँ, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू फ्लावर बेड, ठीक है। हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ पे कर देती हूँ, सम ऑफ एरियाज है ना, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू फ्लावर बेड, तो वो क्या है, 2 इंटू
एरिया ऑफ अ फ्लोवर बेड, एरिया ऑफ फ्लोवर बेड यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट ए ई बी यानी कि 252, 224, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आया, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू फ्लोवर बेड। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।